Vista Godra. मैराथन की ट्रेनिंग के लिए एक अनोखी लगन की जरूरत होती है। लगातार कई किलोमीटर रोजाना भागना, बेहद थकान, अकेलापन और हर मौके पर अपनी दर्द सहने की शक्ति को बढ़ाते रहना। सुनीता गोदरा ने इन सब मुश्किलों को पार तो किया ही, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत इस बात में है कि उन्होंने अपना करियर अपने ही हाथों से संभाला। आज से 9 साल पहले सुनीता ने अपनी पहली बड़ी मैराथन भागने के लिए करीब 4 घंटे लगाए थे, लेकिन उसके बाद सुनीता की लगन और परिश्रम ने फल देना शुरू किया। दिल्ली से बोस्टन, पूना, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी वगैरह में दौड़ने के बाद आज सुनीता का सबसे बढ़िया समय है बहुत ही प्रशंसनीय 2 घंटा 43 मिनट। लेकिन साल भर हर रोज भागते भागते क्या सुनीता थकती नहीं? भागते भागते थकने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि जैसे आप खाते खाते नहीं थकते, मतलब जब जरूरत पड़ती है तो खाते हैं। हम भी पूरे दिन नहीं भागते हैं, जब जरूरत पड़ती है तभी दौड़ते हैं। वर्कआउट मॉर्निंग में होता है, इवनिंग में होता है। इंडिया में ये सोच के चलो कि कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहा है, फेडरेशन नहीं भेज रही है, गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है, तो भी अगर आप स्पोर्ट करना चाहते हैं, अपने बूते पे कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो मैं अपने बूते पे कर रही हूँ, कर सकती हूँ। अगर कोई और भारतीय लड़की शायद आपका उदाहरण देखकर मैराथन रनर बनना चाहे, तो उसमें कौन सी चीजों का होना जरूरी है? उसे शारीरिक और मानसिक रूप से किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी? उसके अंदर एक तो ये, क्योंकि लोनलीनेस इसमें होती है, इट इज नोन एज लोनलीनेस ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर इज मैराथन, तो उसको अकेले ट्रेनिंग करने का पूरा, क्योंकि जैसे मैंने पिछले 3 साल से बिल्कुल अकेले 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर एवरी डे आई वॉज रनिंग, अब यह है कि मेरा धीरे धीरे ग्रुप बनता जा रहा है। दूसरे, उसमें विल पावर होना चाहिए, कुछ चैलेंजिंग करने का होना चाहिए और लड़की टफ होनी चाहिए। सुना आपने, मैराथन रनर बनने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से टफ होना बहुत जरूरी है। सुनीता टफ तो है ही, लेकिन उसमें 2-4 और ऐसे गुण हैं जिनकी वजह से दक्षिण एशियाई देशों में सुनीता का प्रदर्शन लाजवाब है। शायद सुनीता का सबसे बड़ा गुण यह है कि उनको पक्का मालूम है कि वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ जाना चाहती हैं और वहाँ पहुँचने का रास्ता क्या है। कोई जीता कोई हारा की ओर से पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन इस कहावत को गलत साबित कर दिखाया सुनीता गोदरा ने। को हकीकत में तब्दील किया 1984 में, जब सुनीता ने फर्स्ट मैराथन इंडियन ओपन रन पूरी की, जिसमें वो अव्वल रही। इसके बाद उन्होंने बोस्टन के मैराथन में हिस्सा लिया और ये सिलसिला चलता रहा। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा। अपने बुलंद हौसलों और तेज कदमों से बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान में मैराथन पूरी की। इसके अलावा लंदन मैराथन में 2 बार प्रतिभागी बनी। लास वेगास, पोलैंड, बेलग्रेड, इटली, पेरिस मैराथन में सभी महिला प्रतिभागियों में सुनीता की पोजीशन टॉप 10 में थी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न मैराथन में सुनीता की 5वीं पोजीशन और हॉलैंड मैराथन में 3री पोजीशन पे रही। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया सुनीता के हौसलों और तेज कदमों की मुरीद हो गई। ऐसा नहीं था कि ये सारी सफलताएं उन्हें बड़ी आसानी से मिली। अपने सपनों में रंग भरने के लिए सुनीता को ढेरों दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिस मैराथन में भी वो शामिल हुई, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल, उन सब मैराथन का खर्च उन्होंने खुद उठाया। स्पोर्ट्स फेडरेशन से किसी भी तरह सुनीता फर्स्ट एशियन मैराथन चैंपियन है, लेकिन उनकी पहचान बस इतनी ही नहीं। सुनीता एकमात्र ऐसी भारतीय हैं जिन्होंने विश्व में 200 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैराथन कर अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज कराया। सुनीता की सफलता को लिम्का बुक्स ऑफ अवार्ड से भी नवाजा गया। सुनीता अब तक 26 देशों की यात्रा कर चुकी हैं, जिनमें उन्होंने 76 फुल मैराथन, 123 हाफ मैराथन पूरे किए हैं और इस दौरान उन्होंने 25 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते। सुनीता अब तक कुल 1,20,000 किलोमीटर की दौड़ लगा चुकी, अब वो मैराथन की संयोजक बन गई हैं और नेशनल लेवल पर मैराथन कराने लगी हैं। इन मैराथन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद, जिसमें एयरटेल मैराथन, मुंबई मैराथन, सूरत मैराथन, जयपुर मैराथन,
चंडीगढ़ मैराथन और वसई विरार मैराथन, कोची मैराथन, बेंगलोर मैराथन, ये सारी मैराथन, ऐसे 12 मैराथन हैं जिनको मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ। सुनीता के काम की लिस्ट बस यही खत्म नहीं होती। सुनीता ने रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज के खिलाफ भी मुहिम चलाई और इसके साथ साथ सुनीता ने क्लीन स्पोर्ट्स इंडिया का नारा बुलंद किया। उन्होंने HIV एड्स की जागरूकता के लिए काम किया। सुनीता एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। उन्होंने अन्ना आंदोलन में अन्ना के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। जितने अपने सफर को हर कदम बुलंद हौसलों से पूरा करती सुनीता समाज को बहुत कुछ देना चाहती हैं। महिला सुरक्षा और महिला अधिकार इनके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ ही खेल जगत में सुनीता बहुत सुधार चाहती हैं। जब तक हमारी फेडरेशंस अपने एथलीट्स को स्लेव की तरह ट्रीट करती रहेंगी, उनको गिनी पिग मांगती रहेंगी, अपने पॉकेट भरती रहेंगी, उनके लिए नहीं सोचेंगी, तब तक इस देश का में कोई स्पोर्ट्स नर्चर नहीं हो सकता। और मिनिस्ट्री को यह ध्यान देना होगा कि खिलाड़ी को सर्वोपरि रख के और उसके बाद saying that the lab is credited, you don't have to tell me how to talk on national television. This case we were fighting for 10 years, only times now has brought this case again in the public domain, and you people are scared, that's why you are saying this. You know nothing about the case, so don't say that I don't know how to talk on TV channels. You are not supposed to say this. You people are covering up the cases. You don't know. First go back and read the case. Mr. Randhir Singh has given this affidavit. No, one second, Mr. Manmohan Singh. I do not agree that Mr. Randhir Singh has given this affidavit. We have the evidence.